दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल ढाबा का यूट्यूब चैनल और मैं हूं नवीन चंद्र मनोज। बीसीसीआई द्वारा आयोजित होने वाले बीनू मांकर बालक अंडर 19 वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने वाली बिहार टीम के खिलाड़ी आजकल राजधानी पटना के क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान के इंडोर स्टेडियम में पसीना बहा रहे हैं। बारिश के कारण आउटडोर स्टेडियम में प्रैक्टिस हो नहीं सकता है, ऐसे में इंडोर स्टेडियम में ही खिलाड़ी अपने आप को मैच के लिए तैयार कर रहे हैं। टीम के हेड कोच प्रमोद कुमार, सहायक कोच राजेश दुबे, ट्रेनर सुमित कुमार और फिजियो सौरभ कुमार की देखरेख में चल रहे इस विशेष ट्रेनिंग कैंप में खिलाड़ियों को 1-on-1 बैटिंग, बॉलिंग, विकेट कीपिंग समेत अन्य चीज़ों की जानकारी दी जा रही है। उनकी कमियों को बताया जा रहा है। खिलाड़ियों को रनिंग बिटवीन विकेट समेत अन्य चीज़ों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ कोच वहीं पे तुरंत खिलाड़ियों को उनकी गलतियों को बताकर निराकरण करा रहे हैं। जानकारी हो कि इस बार बिहार टीम की कमान पूर्णिया के श्रवण निग्रोध को सौंपी गई है। घोषित टीम में एक बदलाव किया जा चुका है। हर्ष राजपुरु की जगह कनिष्क कौस्तुभ को टीम में एंट्री मिली है। इस 22 सदस्यीय टीम में दरभंगा के आयुष लखौरिया, गोपालगंज के प्रशांत श्रीवास्तव, रोहतास के तरुण कुमार सिंह, समस्तीपुर के अभिषेक भारद्वाज, सहरसा के अनिकेत कुमार, पटना के वेदांत चौबे, भोजपुर के राहुल कुमार, मधुबनी के हर्ष नंदा, गोपालगंज के शाकिब हुसैन, सिवान के हनी कुमार सिंह, नालंदा के आदित्य राज, जमुई के काव्या बैद, मुजफ्फरपुर के भारत कुमार, लखीसराय के रवि सिंह, बेगूसराय के आदित्य सोनी, नवादा के ऋतिक रोशन, सीतामढ़ी के आदित्य भारद्वाज, अरवल के अभिषेक प्रताप सिंह, सारण के अरुणेश कुमार, वैशाली के आदित्य आनंद शामिल हैं। नालंदा के आदित्य राज को उप कप्तान बनाया गया है। बिहार एलीट के ग्रुप ए में है। इस ग्रुप का मैच मोहाली में खेला जाएगा। इस ग्रुप में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की टीमें हैं। बिहार अपना पहला मैच 28 सितंबर को आंध्र प्रदेश के खिलाफ खेलेगा। 29 सितंबर को बिहार बनाम उड़ीसा, 1 अक्टूबर को बिहार बनाम उत्तर प्रदेश, 2 अक्टूबर को बिहार बनाम दिल्ली, 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ बनाम बिहार मैच होगा।
तो दोस्तों हमारे इस वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप शेयर करेंगे। हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ खेल की खबरों के लिए आप खेल ढाबा से जुड़े रहें। धन्यवाद।